हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी। कई जगह पटवार सर्कलों को खोलने की मंजूरी दी गई। नए स्कूलों को खोलने और स्तरोन्नत करने की भी मंजूरी दी गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य के मंत्री और विधायक का वेतन पर अपना आयकर खुद देंगे। इसके लिए सरकार कानून बदलेगी, जिसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। इसके प्रति सदस्य 2.5 लाख रुपए सालाना बचत होगी। ये मुद्दा कैबिनेट के एजेंडे में नहीं था। मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव पेश किया। इसके लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ते हिमाचल प्रदेश अधिनियम 2000 और विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 में संशोधन का फैसला लिया है। बैठक में लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रखरखाव और अन्य शासकीय कार्यों के लिए 5000 श्रमिकों की भर्ती के लिए नीति के प्रारूप को स्वीकृति मिली। इनकी नियुक्ति 4,500 रुपए मासिक मानदेय पर होगी। प्रदेश में 145 डॉक्टरों के अलावा 100 अन्य पद भी भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के मुताबिक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल एम्बुलेंस चलाई जाएगी। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा फार्मासिस्ट और नर्सों की भी तैनाती होगी। इस मोबाइल एम्बुलेंस में टेस्ट कराने और वेंटिलेटर की सुविधा मिलेगी। इस योजना के शुरू होने से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी कम हो सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में मोबाइल एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 70 एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि अगर कोई वाहन में हादसा होता है तो ऐसी स्थिति में भी इन वाहन एम्बुलेंसों को मौके पर भेजकर घायलों का इलाज किया जा सकेगा। कैबिनेट ने वर्ष 2015-16 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की श्रेणियों को 1 जनवरी 2022 से लागू हिमाचल प्रदेश नियम 2022 जो कि 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत कांस्टेबल को नेशनल आधार पर उच्च प्री रिवाइज्ड पे बैंड और ग्रेड पे प्रदान करने का निर्णय लिया है। कांस्टेबल अब संबंधित फैक्टर में वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प दे सकेंगे और उसी अनुसार संशोधित नियमों के अंतर्गत उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के सत्र के पीरियड आधार पर नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने का भी फैसला लिया है। ऐसे 2,555 शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन दोनों ही विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई बसें और 5 टेम्पो ट्रेवल जुड़ेंगे। कैबिनेट ने बसों की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास नीति 2019 और हिमाचल प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने संबंधी नियम 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही औद्योगिक निवेश नीति 2019 को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने कुल्लू जिले के मलाना में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के साथ इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी। किन्नौर जिले की निचार तहसील के नाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी। बिलासपुर के बरमाना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने चंबा जिला के करबल गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि अटल चिकित्सा संस्थान सुपर स्पेशलिटी चमियाना शिमला में रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर के 1 पद को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौंग के लिए नए सृजित विभागों में एसोसिएट और सहायक प्रोफेसरों के 11 पदों को नियमित आधार पर भरने के अलावा महाविद्यालय के रेडियो थेरेपी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में कांगड़ा जिला के थंडूल और मुरला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य स्टीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।